दिनों दिन आसमान छूती महंगाई और लगातार बढ़ते किराए भाड़े से इंदौर शहर के लोग काफी परेशान हैं। एक महीने पहले बस और फ्लाइट का किराया आसमान छूने लगा है। वहीं कामकाजी लोगों को त्योहारी सीजन में अपने घर आने जाने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। दरअसल ट्रेनों में करीब 3 महीने से लंबी वेटिंग चल रही है और इसके बावजूद रेलवे ने अभी तक दिवाली स्पेशल ट्रेनें तय नहीं की है। इस कारण यात्रियों को मजबूरी में अन्य साधन लेने तय से ज्यादा किराया देना पड़ेगा। दिवाली के दौरान यात्रा के लिए की जा रही बुकिंग में बड़े शहरों से इंदौर फ्लाइट के टिकट बुक कराने में पहले की तुलना में किराया बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। त्योहार को देखते हुए बसों की बुकिंग में भी किराया दोगुना हो चुका है। तुरंत बुकिंग के लिए यात्रियों को और भी ज्यादा दाम देने हो रहे हैं। इधर त्योहारी सीजन में रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा तो की है, लेकिन अब तक तारीख तय नहीं हुई है। इस कारण ट्रेन और बसों का किराया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार दोगुने जो हैं फेरे चलाए गए हैं। तो अभी क्या है कि जो और जैसे ही यात्रियों की संख्या जैसे कि जो मांग बढ़ेगी, इसके आधार पर दूसरे एडिशनल कोच या फिर स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं होने की वजह से वो अपने खुद की कीमत खुद तय करते हैं। जब ट्रैफिक रहता है तो उसके अंदर वो परिवर्तन करते हैं, बाकी दिनों में वो मध्य भी चलते तो कीमत उसमें कम भी करते हैं। इसका तो शासन ही तय करता है और शासन के अनुसार ही हम लोग किराया लेते हैं। इसका त्यौहार पर कोई कमती बढ़ोतरी नहीं होता है।